सभी का रश्मि चौधरी के ब्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज मेरा अभी नहाना नाश्ता पानी सब कुछ हो गया है और बस आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या ही ब्लॉग बनाऊँ। तो देखते हैं, भगवान भरोसे कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। तो चलिए बस अभी मिलते हैं बाद में। तो गाइज मैं गार्डन आ गई हूँ क्योंकि आज वापस से हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है। जो अभी 20 दिन पहले जो हमारे फ्रेंड था जो बॉक्सिंग क्लास देते थे तो वो घर पे चले गए थे, तो इसलिए हम लोग नहीं आ पा रहे थे क्योंकि वही नहीं थे यहाँ पे। तो अभी रोहित घर पे मतलब मुंबई वापस आ गए हैं, तो अभी आज से वापस से हमारी क्लास चालू है। तो देखें, देखते हैं, कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रहे। बाकी चलो अभी जाते हैं, पहले करते हैं क्लास, उससे पहले थोड़ा रनिंग कर लेते हैं, रनिंग पहले ज़रूरी है। आउट करने के बाद मैं आ रही हूँ अभी जूस पीने के लिए क्योंकि जूस पीना भी ज़रूरी है हेल्थ के लिए। और यहाँ पे ना बड़ा ये क्यूट सा ये दिखा है। हेलो, इसका क्या नाम है? आई लव यू। अच्छा, आई लव यू। ओके, आई लव यू ये बोलता है। आई लव यू पे बोलता है, सुबह में बात करोगे ना तो बोलता है। कैसे? अपने देश से बात करता है, जैसे बीमारों में गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, गुड इवनिंग, आई लव यू, आई लव यू, गुड इवनिंग। बोला घुमा दिया? अरे अभी मत घुमाना। आई लव यू, गुड इवनिंग। नाम बड़ा सोच समझ के रखा है आई लव यू है, मतलब आप सबसे आई लव यू सुनते हो, सबसे आपको सब आई लव यू बोलते हैं। बोल दे कुछ, जो सुन रहा है बड़े ध्यान से सुन रहा है, कुछ बोल दे। वो सोच रहा है कि ना मैडम पप्पी लेने के लिए उसके पास ले जा रहा है। हाँ, देखा अभी बाहर आना चाह रहा है। हेलो, बोल ना, गुड इवनिंग। हाँ, बाहर नहीं आना, मैं नहीं लूंगी। ये टमाटर भी खाता है तो। एक बार ना मतलब मेरी एक रूममेट थी, उसने ना घर पे लेके आई थी, इतना मतलब 2-3 दिन तो मुझे बहुत डर लग रहा था ऐसे, क्योंकि ऊपर आके बैठ जाता था और डर लगता था कहीं पंखा चल रहेगा तो कहीं उसको कटना मतलब उसको चोट ना पहुंच जाए, तो इसलिए हम लोग पंखे भी बंद करते थे। लेकिन पता नहीं वो अपने घर लेके गई वो लड़की और वो उसके घर से उड़ गया। तो तब से ना एक लगता कि अरे नहीं, बाहर नहीं लेना है, अपने पास नहीं लेना है फालतू में। मैं ब्लॉग 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 तो चलिए अभी मेरा जूस बन रहा है, जूस पीती हूँ, उसके बाद घर जाती हूँ, बहुत सारे काम है अभी, तो फटाफट से निकलती हूँ यहाँ से। तो गाइस मैं यहाँ पे आ गई हूँ डीमार्ट और मैं आ गई सिर्फ यहाँ पे दूध और ब्रेड लेने के लिए, क्योंकि उसके बदले में मैंने कितने सारे सामान ले लिए है, इसीलिए डीमार्ट नहीं आना चाहिए क्योंकि जो नहीं लेना होता वो भी ले लेता है। सारा सामान मैंने ले लिया है, खाली दो सामान के बदले इतना सारा सामान। चलिए लेकर आ लेते हैं। तो गाइज मैं गार्डन से घर पे आ गई हूँ और अभी मैं सोच रही हूँ फटाफट से खाना बना लेती हूँ क्योंकि भूख भी लगी हुई है और लेट भी मुझे काफ़ी हो रहा है। अभी 9:30 बज रहा है तो समझ ही नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। तो सोच रही हूँ कि एग भुजिया और साथ में रोटी बना लेती हूँ, फटाफट बन भी जाएगा। एक तो इतने सारे पटाखे फूट रहे हैं यहाँ पे, अब तो शादियाँ भी बंद हैं फिलहाल कुछ टाइम के लिए, तो चलो उनको फूटने देते हैं, हम फटाफट से अपना काम कर लेते हैं क्योंकि ब्लॉग भी एडिट करना है और भी सारे काम है। ब्लॉग एडिट करने में कम से 1-1.5 घंटा निकल जाता है। तो चलिए मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तो आप सब लोग देखते रहिए रश्मि चौधरी का ब्लॉग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।